हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है सारी शिक्षा का जैविक आधार, यानी बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आपके सिलेबस में यह टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। तो ये क्या है सारी शिक्षा का जैविक आधार, यानी बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मानव जीवन या जीव की वृद्धि एवं विकास, यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होता है, जीवन लीला जो भी होता है, वो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से उसकी वृद्धि एवं विकास, जीवन लीला की शुरुआत होने लगती है। तो ये सब प्रक्रिया कैसे होती है, और बालक जन्म गर्भाधान से लेकर जीवन में कैसे कैसे क्रियाएं करता है, आगे चल के ये जैविक आधार हमारा होगा। तो इसके बारे में, इस क्रिया के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस संसार में मानव आया, पहले की बायोलॉजिकल फाउंडेशन अलग था। पहले शारीरिक वर्क लोग ज़्यादा करते थे एंड अब मानसिक वर्क ज़्यादा करते हैं। इसलिए मॉडर्न युग में, यानी वर्तमान युग में यह आवश्यकता हो गया है कि मानसिक वर्क के साथ फिजिकल वर्क भी किया जाए, क्योंकि बायोलॉजिकल फाउंडेशन यानी शरीर के सिद्धांत यह बताता है कि जिस अंग का हम उपयोग नहीं करेंगे, जिस अंग का हम यूज नहीं करेंगे, वह अंग बेकार हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। तो जिस अंग का हम जितना उपयोग करेंगे, वह अंग उतना ही फुर्तीला, ताकतवर एंड अच्छा होगा। तो जो हमारा जीवन का आधार है, जैविक आधार कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भाधान से प्रारंभ होता है। ठीक है, किसी प्राणी क्रिया, जो हमारा मानव क्रिया है, जीवन का चिन्ह और लक्ष्य और स्थिरता जो है मृत्यु, मतलब जीवन की शुरुआत और मृत्यु तक वो कैसे कैसे क्रियाएं करता है, उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही जैविक आधार है। क्योंकि किसी भी प्राणी में जितनी तेज क्रिया करने की क्षमता होती है, उतनी ही शीघ्रता से उसमें वृद्धि एवं विकास की संभावना होती है। ठीक है, यदि उस प्राणी को दूसरी सामग्री जैसे कि पौष्टिक आहार, अच्छा वातावरण आदि ठीक ढंग से उपलब्ध होती है, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है और तेजी से होती है। तो शुरुआत कैसे होती है कि हमारे पुरुष में शुक्राणु यानी स्पर्म एंड स्त्री में अंडाणु यानी ओभम, इन दोनों के मिलने से, संयुक्त कोशिकाओं के मिलने से, जिसे जाइगोट या संयुक्त कोष कहते हैं, यहीं से जीवन का प्रारंभ होता है। यही जीवन का आधार है, यही जैविक आधार है। ठीक है, पुरुष के शुक्राणु स्पर्म एंड स्त्री के अंडाणु ओवम, दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है, यानी गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर इस नवीन कोशिका का निर्माण करती हैं, तो जाइगोट का। यहाँ पे क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ही, इसको आप याद भी कर लीजिए कि गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती है, जाइगोट का। ठीक है, और यही मानव जीवों का क्या है, जैविक आधार है। यही से हमारे जीवन प्रारंभ होता है। एंड पुरुष और स्त्री की कोशिका का संयुक्त पैरामिक नाम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है कि गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती है, तो जाइगोट का। ठीक है, यानी इसको हिंदी में संयुक्त कोष कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि पुरुष व स्त्री की सेल का यानी कोशिका का संयुक्त परिभाषिक नाम क्या है, गेमेटस। ठीक है, क्या नाम है, गेमेटस। तो हमारे जब संयुक्त शुक्राणु स्पर्म के मिलने से जो जाइगोट का निर्माण होता है, वहीं से जीवन का प्रारंभ होता है, वही जीवन का आधार होता है, और यहीं से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद वो संसार में आता है, हमारे वातावरण से जुड़ता है, अगर बगल के हाव भाव से जुड़ता है, तो उसकी वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया चलना स्टार्ट हो जाता है।
वृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रिया तो गर्भाधान से शुरू होता है, लेकिन उसमें जन्म के बाद नए वातावरण में आने के बाद उसमें परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो यही परिवर्तन आगे चल के डेवलप करने के लिए आज के युग में, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक वर्क करना वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके लिए आज के युग में एक अलग से शारीरिक शिक्षक रखे जाते हैं कि मेंटल वर्क तो इंसान कर ही रहा है, क्योंकि बहुत प्राचीनतम काल में जो आदिमानव रहते थे वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, मेंटल वर्क कम करते थे। तो आज के युग में मानसिक विकास तो पहले के युग से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उसी मानसिक विकास के बल पर, मस्तिष्क की क्षमता के बल पर ही दुनिया आज इतना दूर तक पहुंचा है। लेकिन दूर तक पहुंचने के बाद, हर कुछ डेवलप होने के बाद, मानसिक विकास होने के बावजूद भी यदि शारीरिक रूप से वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, अपने शरीर के अंगों का अगर उपयोग नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे बीमारियों की वजह बन रहा है। बहुत सारी बीमारियाँ, नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, नई नई बॉडी पोस्चर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो अनुवांशिकी एवं वातावरण, यानी कि जो नेचर एंड नर्चर होता है, इन दोनों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा होता है, क्योंकि दोनों के बिना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों संभव नहीं होता है। इसलिए नेचर यानी कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी, नर्चर यानी कि पोषण यानी वातावरण, दोनों का होना हमारे लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोनों के बिना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये लाइफ की प्रक्रिया नहीं चल सकती। इसलिए वो उसको मानसिक, मतलब कहा जा सकता है कि मानसिक वर्क के साथ साथ फिजिकल वर्क करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के युग में प्रदूषित वातावरण खुद ही हो गया है और खान पान में अंतर हो गया है, तो मानसिक डेवलप तो हो रहा है, बट फिजिकल वर्क और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने के लिए, कि हम दिनचर्या के सभी कार्यों को आसानी से कर सकें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, कोई रोग न हो, इसके लिए आज के समय में एक फिजिकल टीचर की आवश्यकता पड़ती है, जो आज के समय में एक अलग से फिजिकल टीचर बच्चों के विकास के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, शारीरिक प्रतिक्रियाओं को फिट करने के लिए एक अलग से शारीरिक शिक्षक रखा जाता है। तो इसी के अंतर्गत बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है, उसका अन्य वातावरण यानी इन्वायरमेंट से वाकिफ होता चला जाता है और उसके विकास की प्रक्रिया चेंज होती चली जाती है, और मतलब कि वो वृद्धा बाल्यावस्था यानी गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था से लेकर फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था तक की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं, और समस्त क्रियाओं में अलग अलग प्रकार की जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि एक छोटा बालक है, शैशवावस्था में उसकी मानसिक प्रक्रिया क्रियाएं शून्य होती हैं, उस समय तो वो कोई बड़ा मानसिक कार्य कर नहीं सकता, अपने फिजिकल अपनी सारी क्रियाओं को करते करते और उसके डेवलप होती हैं, अलग अलग वातावरण में आते आते उसके विकास का डेवलप होता है, मतलब हर एक चरण में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य बस यही था कि शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार क्या है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार यही है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक वृद्धि विकास उसका कैसे होता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, क्या क्या परिवर्तन होती हैं वृद्धावस्था, गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था तक यानी मृत्यु पर्यंत तक, इन सब के बारे में अध्ययन करना शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार है। और शारीरिक शिक्षा का यानी मनुष्य का जो जीव का जैविक आधार है वह गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है, और पुरुष और स्त्री के दोनों अंडाणु या शुक्राणु के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है, वही से जैविक आधार उसको कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जैविक आधार कहते हैं। तो इस पॉइंट से दो क्वेश्चन, ओनली दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि गर्भाधान के समय
पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती है? तो जाइगोट का। वन क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कि पुरुष व स्त्री की कोशिका का संयुक्त परिमाणिक नाम क्या है? तो गेमेटस। ठीक है, गेमेटस। तो दोस्तों ये वीडियो था सारी शिक्षा के जैविक आधार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो होगा अनुवांशिकी एवं वातावरण यानी कि नेचर एंड नर्चर, जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद वृद्धि एवं विकास में अंतर बताएंगे। उसके बाद बाल विकास की बहुत सारी अवस्थाएं जो होती हैं, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, वृद्धि विकास की जितनी है, और सही उसके बाद सही रचना या दैहिक लिंग अंतर जो भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है, समस्त चरण की वृद्धि विकास कैसे होता है, शैशवावस्था से लेकर वहाँ तक वृद्धावस्था तक, एंड सही रचना क्रिया विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के आयु जैसे कालक्रम वायु, सही रचना वायु, एज के क्या कहते हैं, दैहिक आयु, मानसिक आयु, इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। उसके बाद हमारा शुरू होगा खेल मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत बहुत सारी शरीर की प्रक्रिया और सोमेटोटाइप एंड सेल्डन क्रेसमर की बातें होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।